अनिल कुंबले का जन्म 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। पूरा नाम अनिल राधाकृष्णन कुंबले है। उनके पिता का नाम कृष्णा स्वामी और माता का नाम सरोजा देवी है। उन्होंने 1999 में चेतना राम तीर्थ से विवाह किया, जिनसे इनको एक बेटी और एक बेटा हुआ, जिनका नाम स्वस्ति और मायस है। इसके बाद में इन्होंने आरुणी को गोद लिया, जो चेतना की पहली शादी से बेटी थी। ये जिम लेकर के बाद विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी के अंदर 10 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है। अनिल कर्नाटक के बेंगलोर के निवासी हैं और उनके सम्मान में इस नगर के एक सबसे मुख्य चौराहे को भी अनिल कुंबले चौराहे के नाम दिया गया है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। कुछ रोचक तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की ओर से टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कुंबले ने 1990 से 2008 के बीच चले अपने टेस्ट जीवन में खेले 132 टेस्ट मैचों में 40,850 गेंदें फेंककर 18,355 रन देकर 29.65 की औसत से 619 विकेट लिए। भारत की ओर से टेस्ट मैचों में 500 और 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, भारत के अकेले गेंदबाज जिन्होंने 500 और 600 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के जिम लेकर के बाद वे केवल दूसरे गेंदबाज हैं। कुंबले ने पाकिस्तान के विरुद्ध 4 फरवरी 1999 को आरंभ हुई दिल्ली टेस्ट की चौथी पारी में अपने 26.3 ओवरों में 9 मैडन रखते हुए 54 रन देकर 10 विकेट लेने का कारनामा दिखाया। उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 26 जुलाई 1956 को आरंभ हुए मैनचेस्टर टेस्ट की कुल तीसरी पारी में और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 51.2 ओवरों में 23 रन मैडन रखते हुए 53 रन देकर एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया था। वे इंडियन प्रीमियर लीग में बेंगलोर की ओर से खेलते हुए आए हैं। अनिल कुंबले से अधिक विकेट लेने वाले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन ही हैं। केवल वो ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लेने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये खिताब भी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2007 से वर्ष 2008 में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद इन्होंने वर्ष 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए। स्वेच्छा से उन्होंने 20 जून 2017 को इस पद से इस्तीफा दिया। हालांकि कुछ खबरों की माने तो विराट कोहली से कुछ मतभेद होने के कारण इनको हटाना पड़ गया था। से वर्ष 1993 में इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे। वर्ष 1996 में विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त किया। 2005 में पद्मश्री से नवाजे गए। 2012 में अनिल कुंबले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। 2015 में ICC के हॉल ऑफ द फेम नामित हुए। 2015 में ही मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटोर और 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर चीफ मेंटोर। अनिल कुंबले को 1995 भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंबले ने मार्च 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।